जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह इस बार उनका कोई तीखा बयान नहीं बल्कि महादेव की पूजा है, जिसकी वजह से कुछ कट्टरपंथी इस्लामिक लोग उन पर भड़क गए हैं। दरअसल कश्मीर की पूर्व सीएम ने अपने पुंछ जिले के दौरे के दौरान नवग्रह मंदिर में पूजा अर्चना की थी और शिवलिंग पर जल चढ़ाया था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसे देखने के बाद देवबंद के उलेमा उन पर भड़क गए हैं और इसे इस्लाम के खिलाफ बता दिया है। देवबंद के उलेमा असम कासमी ने तलख शब्दों में कहा कि मुफ्ती ने जो कुछ भी किया है वो मजहब के खिलाफ है, उन्होंने इस्लाम का अपमान किया है। जहां उलेमाओं का ये रिएक्शन है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने मुफ्ती की इस पूजा को नौटंकी करार दिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रणवीर सिंह ने कहा कि मुफ्ती की ओर से जो पूजा की गई है वो सिर्फ एक नौटंकी है। जब वो सरकार में थी तो उन्होंने अमरनाथ जी साइन बोर्ड को भूमि आवंटन का विरोध किया था और आज वो मंदिर में पूजा कर रही है, ये केवल उनकी ओर से किया जा रहा एक नाटक है। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने इस मंदिर में पूजा की, उनका निर्माण पीडीपी के पूर्व एमएलसी यशपाल शर्मा ने करवाया था। मंदिर के अंदर उनकी प्रतिभा भी लगी है। फिलहाल पूजा के कारण महबूबा मुफ्ती इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई है, हालांकि इस बारे में अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। अच्छा सारे यहाँ पर पूरा पहाड़ मैडम, ये 22 ये शिवलिंग मैडम, ये 22 ये शिवलिंग।